हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का अन्नपूर्णा किचन में। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते कैसे बनाए जाते हैं आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। ये मैंने 600 ग्राम लौकी ली है जिसको धोकर छील लिया है। अब हम इस लौकी को जो है इस तरीके से पीसेस में काट लेंगे जिसको हमें इसे कद्दूकस करने में आसानी होगी। इस तरीके से लेके हम इसको काट लेंगे और एक कद्दूकस की हेल्प से इसको कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। ये कद्दूकस हो चुकी है। लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक अलग बर्तन लेंगे और ये जो इसमें लौकी जो होती है इसमें एक्स्ट्रा पानी बहुत होता है, इसलिए हम एक कपड़े की हेल्प से इसको अच्छे से दबाकर इसका पानी सब निकाल लेंगे। एक ये बाउल रखूंगी मैं और इस पे इस तरीके से एक कपड़ा बिछा लूंगी और इसकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके इसको दबा लेंगे। दबा के देखिए निकल रहा है ना, कितना सारा पानी इसमें निकल गया है। अगर हम इसका पानी नहीं निकालेंगे तो हम जब कोफ्तों में इसकी बाइंडिंग मिलाएंगे तो ये पतले हो जाएंगे और ये फैलने लगेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये कुछ इस तरीके से हमारा निचुड़कर हो गया है। ये हमने इसका पानी निकाल दिया है, ये इस तरीके से है। अब इसमें इतना पानी निकला है, पानी को एक साइड में रख देते हैं। मैंने एक इसको बाउल में कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ये आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, ये हरी मिर्च, दो मैंने छोटी छोटी हरी मिर्चें काट ली थी। जरा सा ये कसूरी मेथी, ये तीखी वाली लाल मिर्च एक चौथाई चम्मच, और ये हम प्याज, एक प्याज मैंने जिसको महीन काट लिया था ये हम इसमें डालेंगे। बेसन हमारा कितना लगेगा, बेसन मैंने ये एक कटोरी लिया है, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम इतना यूज़ करेंगे इसमें कि हमारे इस अच्छा सा इसकी बाइंडिंग हो जाए, उतना हम इसको मिला लेंगे। ये हमारा मिल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि थोड़ा नमक हम बाद में डालेंगे, और अगर हम पहले नमक डाल देते तो ये पानी छोड़ देता, लेकिन हम नमक इसमें हम बिल्कुल सबसे बाद में डालेंगे जब हम बिल्कुल बना लेंगे, जब इसको बिल्कुल बनाने के लिए तैयार करेंगे उसी समय हम इसमें नमक का यूज़ करेंगे। ये हमारे मिल चुके हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी वाला बटन दबाकर प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इसके हमें गोले किस तरीके से बनाने हैं। हमें इतना इसका पोर्शन लेना है और इस तरीके से छोटे छोटे से इसके गोल गोले बना लेने। देखिए इस तरीके से हमें सारे गोले बनाने, इस तरीके से लेना है। मैं इसके देखिए ये इस तरीके से, देखिए और इस तरीके से इसको बना लिया। कोफ्ते मेरे सारे बन चुके,
अब मैं कढ़ाई पे जो है मैंने गैस पे रख दी थी और पहले से उसमें ऑयल जो है गरम करने रख दिया था। अब चलिए उसमें डालकर दिखाती हूँ आपको। ऑयल जो है मैंने तेज गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ये कोफ्ते डालूंगी। हमें तेज गरम में ही डालने और जब सेकना है तो इसका जो गैस का फ्लेम है वो हम मीडियम कर देंगे। अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर दूंगी। एक स्पून की हेल्प से मैं इसको पलट दूंगी। मीडियम गैस पे अगर ये सेकेंगे तो अंदर से अच्छे से सिक जाएंगे और अगर हम इसे तेज फ्लेम पे सेकेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम इसे मीडियम पर ही सेकेंगे, आराम से इसे सिकने देंगे। हमारे सिक चुके हैं, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक पेपर नैपकिन पे मैं इस पे निकाल लूंगी। और इसी तरीके से हम दूसरे बार में भी डालेंगे। आपको सब सेक कर दिखाती हूँ। सेक चुके हैं, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। जो है ये ऑयल इसमें 3 चम्मच के करीब पे रहन दिया है और बाकी का ऑयल जो है वो अलग कर लिया है। अब मैं 1/2 चम्मच जीरा डालूंगी इसमें। गैस का फ्लेम मेरा मीडियम है। अब ये मैंने 2 प्याज ली हैं मीडियम साइज की, जो इनको पहले से पीस लिया था। अब मैं इसको जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा मैं इसको भूनती रहूंगी। ये 1 चम्मच डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। भुन चुका है, अब हम इसमें ये टमाटर की प्यूरी डाल दूंगी। ये भी मैंने 2 टमाटर लिए थे। का पानी था वो मैंने धो के ले लिया था, वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया है। ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब तीखी वाली लाल मिर्च हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है इसमें भी थोड़ी मिर्च होती है और थोड़ी मिर्चें हम पहले भी डाल चुके हैं। आप अपने जितना स्वाद के अकॉर्डिंग तेज या हल्के खाते हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम ये 2 हरी मिर्चें जो लंबी शेप में मैंने काट ली थी इसको डालूंगी। ये 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और ये स्वाद के अनुसार नमक। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। अब हम इसको एक खोल आने तक ढक देंगे। अब मैं इसको 5 अब इसको देखते हैं, इसमें खोल आ चुका है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब इसको एक खोल और आने देंगे, इतनी देर के लिए और ढक देती हूँ मैं। खोल कर देख लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये जरा सा गरम मसाला और जरा सा ये कसूरी मेथी और गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद। लीजिए ये सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। लीजिए ये लौकी के कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, चाहे आप इसे रोटी से खाएं चाहे चावल से खाएं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।